वेलकम बैक स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टेलर थ्योरम और इसका प्रूफ भी देखेंगे। तो पहले समझते हैं कि इसका स्टेटमेंट क्या है टेलर थ्योरम का, ठीक है। तो यहाँ कि इफ़ ए फंक्शन एफ एक्स, एक फंक्शन है जो कि डिफाइंड है इंटरवल क्या है, ए से ए प्लस एच, एच क्या है कोई भी एक पॉजिटिव नंबर है मेरा, इज सच दैट, ऐसे डिफाइंड है कि एफ टू द पावर एन माइनस वन एक्स एग्जिस्ट एंड इज कंटिन्यूअस ऑन दिस इंटरवल ए टू ए प्लस एच। सेकेंड है कि एफ एन माइनस वन एक्स पोजेज ए डेरिवेटिव फाइनाइट और इनफाइनाइट इन ओपन इंटरवल ए टू ए प्लस एच। और थर्ड है कि पी कोई एक मेरा नंबर है जो कि पॉजिटिव नंबर है और ये एन से कम है या उसके इक्वल है। देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन नंबर थीटा, और थीटा क्या है, जीरो टू वन के बीच लाई कर रहा है, सच दैट कि एफ ए प्लस एच इज इक्वल्स टू होगा एफ ए प्लस एच इन टू एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एडबल एस एंड सो ऑन, ठीक है। तो मुझे इसे प्रूफ करना है। तो कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है फर्स्ट नंबर, ये क्या बोलना चाह रहा है। ये कह रहा है कि एफ टू द पावर एन माइनस वन एक्स एग्जिस्ट एंड इज कंटिन्यूअस ऑन ए टू ए प्लस एच। इसका ये मतलब हुआ कि एन की जगह हम लोग पुट करते जाएँ, लाइक एन का वैल्यू वन पुट किए तो ये क्या होगा, एफ टू द पावर जीरो मीन्स एफ एक्स, फिर जब एन की जगह टू पुट किए तो एफ डैश एक्स, तो एफ एक्स एफ डैश एक्स अप टू एफ एन माइनस वन एक्स सारा क्या है, एग्जिस्ट कर रहा है, मीन्स डिफाइंड है वो सारा फंक्शन। क्या है फंक्शन मेरा, मीन्स एफ एक्स एफ डैश एक्स एफ डबल डैश एक्स अप टू एफ एन माइनस वन एक्स, ये सारा फंक्शन क्या है, डिफाइंड है मेरा, ये सारा फंक्शन डिफाइंड है और इसके साथ ही इज कंटिन्यूअस भी है, और क्या है एंड इज कंटिन्यूअस इन इस इंटरवल में ए टू ए प्लस एच में। तो अगर ये सारा फंक्शन डिफाइंड है और कंटिन्यूअस है तो हम लोग कोई और एक फंक्शन भी इस फंक्शन के सम से बना सकते हैं, तो हम लोग वो कंसीडर करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग एक फंक्शन डिफाइन करेंगे, डिफाइन एन ऑक्सिलरी फंक्शन, कौन सा फंक्शन हम लोग का रहेगा, ये हम लोग डिफाइन करेंगे फाई एक्स, वो क्या होगा एफ एक्स प्लस, हम लोग क्या ले रहे हैं इस इंटरवल ए प्लस एच जो है एंड पॉइंट वहाँ से कर रहे हैं ए प्लस एच माइनस एक्स, और इसके साथ क्या लिख रहे हैं एफ डैश एक्स प्लस, अब इस पर स्क्वायर हो जाएगा लाइक बाइनोमियल थ्योरम टाइप, टू द पावर स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू, और यहाँ पे डेरिवेटिव सेकेंड डेरिवेटिव यूज करेंगे, फिर क्या होगा ए प्लस एच माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल थ्री, और यहाँ पे क्या होगा एफ ट्रिपल एक्स ना, ऐसे ही सो ऑन चलता जाएगा। एंड मेरा फंक्शन कहाँ तक डिफाइंड है, एन माइनस वन तक, तो हम वहाँ तक डिफाइन करते हैं, तो ए प्लस एच माइनस एक्स टू द पावर एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस वन एफ एन माइनस वन एक्स, ठीक है। यहाँ तक तो फंक्शन डिफाइन है, इसके साथ हम लोग क्या करते हैं एक और वैल्यू लिखते हैं, वो क्या होगा एक कांस्टेंट हम लोग लेते हैं ए इंटू ए प्लस एच माइनस एक्स टू द पावर हम लोग क्या ले रहे हैं पी, ये एक हम लोग फंक्शन डिफाइन, और पी क्या है, पी का वैल्यू मेरा दिया है कि ये जीरो से बड़ा होगा और एन या एन से छोटा होगा, कोई एक पॉजिटिव वैल्यू है ये। तो ऐसे हम लोग एक फंक्शन डिफाइन किए, ठीक है, जहाँ पे वेयर ये जो ए है, एक जो टर्म ए मुझे दिख रहा है ये क्या है, एक कांस्टेंट है, ए इज ए कांस्टेंट जिसे कि हम लोग निकालेंगे टू बी डिटरमाइन माइंड सच दैट, इसको जो निकालेंगे तो इसका एक तरीका होगा कि हम लोग ऐसे निकालेंगे कि ये जो फंक्शन का वैल्यू जो हो एंड पॉइंट वो इक्वल हो जाए, सच दैट फाई ऑफ ए इक्वल हो जाए फाई ऑफ ए प्लस एच की। तो अब यहाँ पे ये जो कंडीशन हम लोगों ने लिया है ये क्यों लिया, अगर आपने मेरा लैग्रेंज का प्रूफ देखा होगा, लैग्रेंज थ्योरम का या फिर कुसी मीन वैल्यू थ्योरम का, तो वहाँ पे भी मैं बता चुका हूँ कि इस टाइप का कंडीशन वहाँ पे भी लेते थे। उसके पीछे का जो मेन रीजन है वो ये है कि हम लोग इस थ्योरम को जो प्रूफ करेंगे वो विद द हेल्प ऑफ रॉल्स थ्योरम करेंगे, क्योंकि रॉल्स थ्योरम क्या एक फंडामेंटल थ्योरम है, उसके बाद ही सारा ये थ्योरम आया है। तो सारा थ्योरम क्या कर रहा है, रॉल्स थ्योरम का ही हेल्प ले रहा है प्रूफ करने में, तो हम लोग हेल्प रॉल्स थ्योरम लगा रहे हैं, और रॉल्स थ्योरम का थर्ड कंडीशन होता है कि इन पॉइंट पे वैल्यू सेम होना चाहिए, तो हम लोग वो कंसीडर करके चल रहे हैं और वैसे ही फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं,
ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, फाइव ए और फाइव ए प्लस एच निकालते हैं, ठीक है। तो नाउ फाइव ऑफ ए अगर मैं निकालूं तो क्या करूंगा, यहाँ पे मैं ए पुट कर दूंगा लाइक इसमें, तो फाइव ऑफ ए क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ ए प्लस, जब मैं यहाँ पे ए पुट करूंगा एक्स की जगह, तो ये ए प्लस एच माइनस ए, ए कैंसिल तो एच बच जाएगा, तो एच एफ डैश ए, फिर यहाँ पे अगर ए पुट करूँगा तो ये एच सिर्फ बचेगा, तो एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश ए, फिर यहाँ पे भी सेम आएगा तो ये हो जाएगा एच क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल एफ ट्रिपल ए अप टू सो एन, और अगर यहाँ पे मैं करूँ तो फिर से वो एच बचेगा, लेकिन एच टू द पावर क्या होगा, एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस वन इंटू एफ एन माइनस वन ए, और लास्ट टर्म क्या बच जाएगा, यहाँ जैसे ही मैंने a पुट किया तो ये h टू द पावर p, तो a इंटू एच टू द पावर p, ये मेरा बच गया। तो इसे मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर से वन, ठीक है, या फिर चलो इसे मैं वन बोल रहा हूँ यहाँ पे, इसे इक्वेशन टू बोल देता हूँ। ओके, तो ये मैंने फाई a निकाला, अब मुझे क्या चाहिए, फाई a प्लस h भी चाहिए, तो अगर मैं फाई a प्लस h निकालूँ तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले f a प्लस h, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे x की जगह a प्लस h पुट करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस h माइनस a प्लस h जो कि जीरो हो जाएगा, तो ये टर्म क्या हो गया, जीरो। सिमिलरली यहाँ पे भी मैं अगर a प्लस h पुट करता हूँ जीरो, मीन्स ये सारा टर्म क्या हो जाएगा, मेरा जीरो हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, फाइव ए प्लस एच एफ ए प्लस एच, ठीक है। तो इसे मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर थ्री। अब मुझे क्या करना है, ये बोला है कि फाई ए इक्वल होना चाहिए फाई ए प्लस एच, इसका मतलब इक्वेशन टू और इक्वेशन थ्री क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, कि फाई ए और फाई ए प्लस एच इक्वल है, मीन्स इसका जो वैल्यू होगा अगर मैं इसे लिखूं, तो इस चीज़ को मैं लिख देता हूं यहां पे, तो ये मुझे मिल जाएगा, सिंस फाई ए इज इक्वल्स टू फाई ए प्लस एच एच, दिस इम्प्लाई एफ एफ ऑफ a प्लस एच का वैल्यू क्या आ जाएगा, एफ ए प्लस एफ ए प्लस एच एफ डेस, ये मिल गया, और इसे मैं बोल देता हूँ अब इक्वेशन नंबर थ्री, ठीक है। तो मैंने क्या किया, फाई ए को इक्वल कर दिया फाई ए प्लस एच, तो ये मेरा फाई ए प्लस एच आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, लाइक अब ये फंक्शन हम लोग देखते हैं एफ एक्स, यहाँ से डिफाइन है कि एफ एक्स क्या था, कंटिन्यूस है, ये भी कंटिन्यूस है, ये भी कंटिन्यूस है, ये भी कंटिन्यूस है, ये भी कंटिन्यूस है, और ये क्या है, a प्लस एच माइनस एक्स टू द पावर p, सम पॉलिनोमियल है, क्योंकि p क्या है, मेरा ऑलवेज पॉजिटिव है और n से छोटा है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो ये भी कंटिन्यूस होगा, ठीक है। तो सारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है, तो सारे कंटिन्यूस फंक्शन का जो सम करेंगे वो क्या होगा, एक कंटिन्यूस फंक्शन होगा। इससे मुझे क्या मिल गया कि फाई एक्स क्या है, एक कंटिन्यूस फंक्शन है, कौन सा इंटरवल, a टू a प्लस एच में, पहला मिल गया मुझे। अब दूसरा क्या है, फाई एन प्लस एक्स सारा क्या पॉजिटिव डेरिवेटिव, मीन सारा डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो ये भी डिफरेंशिएबल है, ये भी डिफरेंशिएबल है, ये भी और ये भी सारा, तो सब तो सारे का जो सम होगा डिफरेंशिएबल फंक्शन का वो भी क्या होगा, एक डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा, मीन्स फाई एक्स क्या हो गया, मेरा कंटिन्यूस भी हो गया, और फाई एक्स क्या हो गया, डिफरेंशिएबल भी हो गया, ठीक है। तो फाई एक्स कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, और हम लोगों ने एक कंडीशन लिया कि फाई ए इज इक्वल्स टू फाई ए प्लस एच, और अगर आपको रॉस थ्योरम याद होगा, अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा रॉस थ्योरम का, तो ये तीनों कंडीशन क्या होता है, रॉस थ्योरम का ही होता है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा रॉस थ्योरम का, तो मैं कार्ड पे लिंक डाल देता हूँ, आप जाके जरूर देखें, ठीक है। तो ये तीनों क्या हुआ, रॉस थ्योरम का कंडीशन को सेटिस्फाई किया, इसका मतलब फाई एक्स सेटिस्फाइज रॉस थ्योरम कंडीशन, तो हम लोग क्या मिलेगा, एक मुझे एक पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है, से जाई, जहाँ पे फाई डैश जाई क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, इसका डेरिवेटिव चाहिए, ठीक है, वो मैं निकालता हूँ, सिंस फाई एक्स सेटिस्फाइज ऑल द कंडीशंस कंडीशंस ऑफ रॉल्स थ्योरम, हेंस देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन वैल्यू, कौन सा, तो से जाई बिलोंगिंग्स टू, कहाँ पे बिलोंग करेगा ये जाई, ए टू ए प्लस एच का ओपन इंटरवल में, ठीक है, सच दैट फाई डैश जाई क्या होगा, जीरो हो जाएगा,
इसे मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 4, ठीक है, कि फाइव डैश जाई 0 हो जाएगा। तो मीन्स मुझे फाइव एक्स को डिफ्रेंशिएट करके फाइव डैश एक्स निकालना होगा, तो मैं वो करने वाला हूँ। नाउ फाइव डैश एक्स का वैल्यू क्या आएगा, तो एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ डैश एक्स प्लस ए प्लस एच माइनस एक्स एफ डैश। तो यहाँ पे क्या लगेगा, यू इंटू वी रूल, तो ए प्लस एच माइनस एक्स एफ डैश एक्स का हो जाएगा एफ डबल डैश एक्स, और इस ए प्लस एच माइनस एक्स का क्या हो जाएगा इस बार, ये तो कॉन्स्टेंट टर्म है, तो माइनस एक्स का माइनस वन एफ डैश एक्स। तो ये मेरा आ गया इस टर्म का डिफरेंशिएशन। अब मुझे करना है इस टर्म का डिफरेंशिएशन, तो ये क्या होगा, इस टर्म को मैं कांस्टेंट रखता हूँ, इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ, तो ये हो जाएगा ए प्लस एच माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, और एफ इसका हो जाएगा ट्रिपल एक्स। नाउ अब इसको कांस्टेंट रख के इसका डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस 2 ए प्लस एच माइनस एक्स अपॉन 2 फैक्टोरियल, और ये एफ डबल डैश एक्स, ठीक है, एंड सो ऑन, ऐसा चलता जाएगा। मैं करता हूँ इसका डिफरेंशिएशन, तो इस चीज को कांस्टेंट रख के इसका डिफरेंशिएशन पहले, तो ये हो जाएगा ए प्लस एच माइनस एक्स टू द पावर एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस वन, और एफ एन माइनस वन एक्स का हो जाएगा एफ एन एक्स, तो ये हो गया एफ एन एक्स। फिर माइनस, अब करना है क्या, इसे कांस्टेंट रख के इसका डिफरेंशिएशन, तो ये क्या हो जाएगा एन लाइक एन माइनस वन ए प्लस एच माइनस एक्स टू द पावर एन माइनस टू हो जाएगा ये, और होल लाइक ये फैक्टोरियल एन माइनस वन, और इस माइनस एक्स का क्या हो जाएगा माइनस वन, जो कि मैंने पहले ही लिख दिया है, और ये हो जाएगा एफ एन माइनस वन एक्स। तो ये हो गया मेरा इस टर्म का डिफरेंशिएशन, और बच गया ये लास्ट टर्म। लास्ट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस लाइक ये रहा, ये तो कांस्टेंट है, अब ये पी है, तो ये हो जाएगा पी ए प्लस एच माइनस एक्स टू द पावर पी माइनस वन, और इस माइनस एक्स का माइनस वन। तो ये मेरा आ गया एफ डैश एक्स, फाइव डैश एक्स आ गया मेरे। अब मैं इसे सॉल्व करता हूँ लाइक कुछ, तो एक यहाँ पे हम लोग देखते हैं लाइक, अब पहले अगर सॉल्व करें तो ये टू से ये टू कट जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं देखूँ ये फाइव डैश एक्स है, यहाँ माइनस फाइव डैश एक्स, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे क्या है ए प्लस एच माइनस एक्स एफ डबल डैश एक्स, यहाँ पे क्या है ए प्लस एच माइनस एक्स अपॉन एफ डबल एक्स, तो ये दोनों भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक प्लस एक माइनस, ठीक है। ऐसे हम देखेंगे जब आगे ये थर्ड टर्म को हम लोग डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो ये टर्म भी कैंसिल हो जाता जाएगा यहाँ से इस टर्म से। ऐसे ही सॉन अगर करें तो ये टर्म भी देखेंगे कि ये कैंसिल हो गया, बस मेरे पास कौन सा टर्म बचेगा, ये टर्म एक और एक ये टर्म, दो टर्म मेरे पास बचेगा, ठीक है। तो ये टर्म कौन सा है मैं लिख लेता हूँ लाइक फाइव डैश एक्स मेरा आ जाएगा, तब इसका वैल्यू हो गया ए प्लस एच माइनस एक्स टू द पावर एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस वन, ठीक है, एफ एन एक्स, ठीक है, एफ एन एक्स, और ये हो जाएगा माइनस ए पी ए प्लस एच माइनस एक्स टू द पावर पी माइनस वन, ठीक है। अब हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, फाइव डैश जाई मुझे चाहिए, तो अगर मैं फाइव डैश जाई निकालता हूँ अब यहाँ से, नाउ फाइव डैश जाई, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स की जगह हम लोग जाई पुट कर देंगे ए प्लस एच माइनस जाई टू द पावर एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन फैक्टोरियल फाइव एन जाई माइनस ए पी ए प्लस एच माइनस जाई पी माइनस वन, ठीक है। तो ये मेरा आ गया फाइव डैश जाई, लेकिन इक्वेशन फोर क्या बोल रहा है कि फाइव डैश जाई जीरो होना चाहिए, मीन्स ये जो वैल्यू है ये जीरो है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फोर इम्प्लाइज, ये क्या आ गया जीरो इज इक्वल्स टू दिस वैल्यू, अगर जीरो इज इक्वल्स टू दिस वैल्यू लाइक ए प्लस एच माइनस जाई
एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस वन एफ एन जाई ए प्लस एच माइनस जाई टू द पावर पी माइनस वन। अगर मैं इसे सॉल्व करके यहाँ से क्या करने वाला हूँ, ए का वैल्यू निकालने वाला हूँ, ठीक है। तो इस टर्म को मैं लेफ्ट हैंड साइड लाता हूँ, दिस इम्प्लाइज ए इज इक्वल्स टू, ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा ए प्लस एच माइनस जाई, ए प्लस एच माइनस जाई टू द पावर एन माइनस वन, और यहाँ से माइनस पी माइनस वन जो कि हो जाएगा एन माइनस पी, ओके, और होल अपॉन में हो जाएगा दिस इज पी इंटू एन माइनस वन का फैक्टोरियल, और यहाँ बच जाएगा मेरा एफ एन जाई। तो ये मेरा वैल्यू आ गया क्या ए का, ठीक है। हम लोग डिफाइन कर रहे हैं एक फंक्शन लाइक ए प्लस थीटा एच का वैल्यू हम लोग डिफाइन करना चाह रहे हैं, ठीक है। ए प्लस थीटा एच क्या हो जाएगा, अगर हम लोग थीटा को ले रहे हैं जीरो से, थीटा जीरो है तो ए प्लस थीटा एच का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और ए प्लस थीटा एच का वैल्यू जब हम लोग थीटा को क्या ले लें, थीटा को ले लें अगर हम लोग वन, तो ये हो जाएगा ए प्लस एच, ठीक है। जब जीरो है तो ए आ रहा है, जब वन है तो ए प्लस एच आ रहा है। इसका मतलब ये हो सकता है कि ए प्लस थीटा एच क्या हो रहा है, मेरा ए टू ए प्लस एच के बीच लाई करेगा, जब इफ़ थीटा कहाँ से कहाँ लाई करे, जीरो टू वन लाई करे, ठीक है। और ये जो जाई वैल्यू था, ये जाई क्या था, ए टू ए प्लस एच के बीच बिलोंग कर रहा था। इसका ये मतलब हुआ कि हम लोग क्या कर सकते हैं, हेंस जाई इज इक्वल्स टू ए प्लस थीटा एच व्हेन थीटा कहाँ से कहाँ बिलोंग करे, जीरो टू वन। तो हम लोग जाई की जगह क्या यूज करेंगे, ए प्लस थीटा एच, और साथ में थीटा कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, जीरो टू वन, इसे हम लोग पुट करेंगे वन में। हेंस ए क्या हो जाएगा मेरा, ए हो जाएगा ए प्लस एच, जाई की जगह ए प्लस थीटा एच पुट किए, और ये हो गया एन माइनस पी अपॉन पी एन माइनस वन का फैक्टोरियल, और एफ एन जाई की जगह ए प्लस थीटा एच। इसे जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा मेरा वैल्यू लाइक ए से ए कैंसिल, तो ये हो जाएगा एच से एच, तो एच कॉमन ले लेते हैं, तो एच कॉमन, तो ये हो गया एन माइनस पी वन माइनस थीटा टू द पावर एन माइनस पी अपॉन पी एन माइनस वन फैक्टोरियल एफ एन ए प्लस थीटा एच, ठीक है। तो ये आ गया मेरा ए का वैल्यू। और इक्वेशन थ्री जो हम लोगों का था वो क्या था, नाउ फ्रॉम इक्वेशन थ्री में हम लोग क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे। नाउ इक्वेशन थ्री इम्प्लाइड, इक्वेशन थ्री में था कि एफ ए प्लस एच इज इक्वल्स टू, इसका वैल्यू क्या था, ये था एफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर एफ डबल डैश ए अप टू सो ऑन प्लस, अब क्या था, लाइक एच टू द पावर एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन का फैक्टोरियल एफ एन माइनस वन ए, और लास्ट टर्म था ए इंटू एच टू द पावर पी, तो ए का वैल्यू क्या है, एच टू द पावर एन माइनस पी वन माइनस थीटा टू द पावर एन माइनस पी होल अपॉन पी एन माइनस वन फैक्टोरियल एफ एन ए प्लस थीटा एच, और साथ में था एच टू द पावर पी, ठीक है। तो इस ए का वैल्यू हम लोग कहाँ किए, इक्वेशन नंबर थ्री में पुट कर दिए, ठीक है। अब अगर हम लोग इसे सॉल्व करें तो ये एच टू द पावर पी इंटू एच टू द पावर एन माइनस पी, ये क्या हो जाएगा, लाइक पी और पी ऐड होके जीरो हो जाएगा, तो एच टू द पावर एन बचेगा, ठीक है। तो जो मेरा फाइनल आंसर होगा, हेंस एफ ए प्लस एच, वो क्या आएगा, वो होगा एफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश ए अप टू सो ऑन लाइक एच एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस वन एफ एन माइनस वन ए, और लास्ट टर्म जो मेरा बचेगा वो होगा एच टू द पावर एन अपॉन पी एन माइनस वन फैक्टोरियल वन माइनस थीटा टू द पावर एन माइनस पी एफ एन ए प्लस थीटा, दिस इज ए प्लस थीटा एच, एक्चुअली दिस इज ए प्लस थीटा एच
ठीक है, तो ये मेरा हो गया फाइनल, मुझे यही प्रूफ करना था। ठीक है, तो ऐसे हम लोग टेलर थ्योरम का प्रूफ कर सकते हैं। और ये जो टर्म है इसे हम लोग कहते हैं रिमाइंडर, दिस इज रिमाइंडर, रिमाइंडर ऑफ टेलर थ्योरम। ठीक है, ये रिमाइंडर टर्म हुआ, और इसका पर्टिकुलर केसेस होता है। लाइक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे कि रिमाइंडर ऑफ टेलर थ्योरम के बारे में बात करेंगे।